नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम गन्ने के रस की खीर बनाएंगे। इसे रस खीर भी कहा जाता है और ये खीर तभी बनाई जा सकती है जब बाज़ार में गन्ने का रस मिल रहा हो। तो आइए देखें गन्ने के रस की खीर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये गन्ने का रस लिया है हमने, 1 लीटर गन्ने का रस ले लिया है या कप से नापेंगे तो 5 कप गन्ने का रस ले लिया है और 100 ग्राम चावल यानी कि आधा कप चावल ले लिए हैं जो हमने 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रखे हैं। 8-10 काजू लिए हैं, 8-10 बादाम ले लिए हैं, 5 छोटी इलायची ली हैं और 1 टेबल स्पून किशमिश ली हैं। रस खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें गन्ने के रस को गर्म करना होगा, तो गैस ऑन कर देते हैं और जैसे ही गन्ने के रस में उबाल आ जाएगा तब हम ये भीगे हुए चावल रस में डाल देंगे। और जब तक हमारे रस में उबाल आता है तब तक हम ये काजू बादाम काट करके तैयार कर लेते हैं, इलायची का पाउडर बना लेते हैं। गन्ने के रस में उबाल आ गया है और ऊपर कुछ झाग जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो ये झाग हम चमचे से उतार करके अलग कर देंगे। और अब हम इसमें चावल डाल के मिला देंगे। खीर के लिए हमने बासमती चावल लिए हैं, लेकिन खीर के जो सादा चावल होते हैं छोटे वाले वो भी लिए जा सकते हैं। मिक्स कर देंगे और खीर को हम मीडियम गैस पर धीरे धीरे पकने देंगे। बीच में हर 4-5 मिनट बाद हम खीर को चलाते रहेंगे। खीर बनकर के तैयार हो गई है। जिस तरह ये चमचे से हम गिरा करके देखेंगे कि चावल और रस एक साथ चलने चाहिए। हमारी रस खीर बन चुकी है और अब हम रस खीर में ये इलायची पाउडर डाल के मिला देंगे। थोड़े से बादाम बचा लेंगे, ये बादाम डाल देंगे और थोड़े से काजू बचा लेंगे और बाकी खीर में डाल देंगे। मिक्स कर देंगे, ये किशमिश भी डाल के मिला देंगे। रस खीर में हमने काजू और बादाम डाले हैं। ट्रेडिशनली रूप से रस खीर में सूखे मेवे नहीं डालते, सिर्फ इलायची डाल करके रस खीर बना ली जाती है, लेकिन रस खीर का स्वाद और बढ़ जाए इसलिए हमने काजू और बादाम डाल दिए हैं। सूखा नारियल भी छोटा छोटा काट करके या कद्दूकस करके रस खीर में डाला जा सकता है, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे गन्ने के रस की खीर तैयार हो गई है और अब हम इसे प्याले में निकाल लेते हैं। ये बचे हुए काजू खीर के ऊपर से डाल के गार्निश कर देते हैं। बादाम भी डाल देंगे और ये हमने 3-4 काजू के 2 टुकड़े करते हुए काट लिए थे, तो ये हम खीर के ऊपर लगा के गार्निश कर देंगे। ये गन्ने के रस की खीर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी खीर बनी है। तो जब भी गन्ने के रस का मौसम हो आप एक बार खीर अवश्य बनाइए और खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।